वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लोग भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो बेल स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि कल के दिन में यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट की थी, फिर से थोड़ा सा रिकवर भी हो चुका था बेल स्टॉक। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि कल की मूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे ओपन हुआ था 48 लेवल पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, और फिर हाई बनाया था 50.15 का और लो बनाया था 47 का। तकरीबन यहाँ पे गैप डाउन से ओपन हुआ था 48 लेवल के नीचे, फिर 48 लेवल को ब्रेकआउट दिया सुबह सुबह में और एक अच्छी मूवमेंट की थी। उसी में यहाँ पे आप देख सकते कि 49 लेवल को भी ब्रेकआउट देके एक अच्छी मूवमेंट की। तकरीबन ऊपर जाके यहाँ पे आप देख सकते कि डे एंडिंग में 50 लेवल जो है इंपॉर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया था बेल स्टॉक के लिए। तो कल के दिन में यहाँ पे आप देख सकते कि 50 के नीचे ओपन होता है और सुबह सुबह में यहाँ पे 50 लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो एक बैंक साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है अच्छी। मीन्स यहाँ पे 50 लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको सुबह सुबह ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट भी मिल सकता है बेल स्टॉक के लिए। और मार्केट कैप भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 17.34,000 करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पे बेल्स कंपनी का, जो कि अच्छा खासा है। पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे जितनी गिरावट हो चुकी है तभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा रिकवर भी हो चुका है बेल स्टॉक। तकरीबन 50 लेवल को क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है बेल स्टॉक के अंदर। 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 17% की गिरावट हो चुकी है बेल स्टॉक में। अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकवरी मोड अभी तक नहीं आया, 50 लेवल को ब्रेकआउट देता है तो और एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है बेल स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे फाइनेंशियल की भी फाइनेंशियल नंबर्स भी देखे जाए तो फाइनेंशियल नंबर्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 के क्वार्टर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू भी बढ़ चुका था 15% से ईयर ऑन ईयर। नेट इनकम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ईयर ऑन ईयर बढ़ चुकी थी 112% से, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे बढ़ चुका था, एक अच्छा नंबर्स दिखे थे यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो बेल स्टॉक के लिए।